नॉर्मल ग्लासेस और सन ग्लासेस भाई सब यूज करते हैं भाई, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आ चुके हैं भाई एम्ब्रेन के स्मार्ट सन ग्लासेस। और भाई हमको सन ग्लास में भी स्मार्ट चीजें चाहिए, मतलब जो है हम टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं। कि फीचर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको जो है ब्लूटूथ 5.1 जो है वो देखने को मिल जाता है, HD स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, 16 mm के जो है आपको इसके अंदर जो है ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल टच कंट्रोल्स वगैरह भी है एंड हैंड फ्री कॉलिंग भी आपको इसके साथ में देखने को मिल जाते हैं। वैसे नॉर्मल ग्लासेस हम सब यूज करते रहते हैं तो मैंने सोचा भाई थोड़े से स्मार्ट ग्लासेस भी यूज कर ले। और इसकी अगर मैं आपको प्राइसिंग दिखा दूं तो जो प्राइसिंग है वो बॉक्स पे मेंशन है 9,999 रुपए। खैर इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं, बाकी आपको एक फ्री जो है ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी जो है वो देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक जो है सील लगी हुई है, इसको जो है हम निकाल देते हैं और यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते ही हमको जो है एम्ब्रेन का जो है लोगो देखने को मिल जाता है। इसको साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं हमको और क्या चीजें देखने को मिलती है। तो कुछ इस टाइप का आपको एक क्लीनिंग क्लोथ जो है वो देखने को मिलता है, आपको एक QR कोड और रेटिंग वगैरह देने के लिए कागज वगैरह दिए और इसके अंदर जो है इसका चार्जिंग केबल जो है टाइप का जो है आपको चार्जिंग केबल जो है वो भी देखने को मिल जाता है क्योंकि स्मार्ट ग्लासेस है तो आपको इसको चार्ज भी करना पड़ेगा। इस वाले बॉक्स को देख लेते हैं। वैसे में ये जो ग्लासेस है उसको जो है आपको 2 घंटे के लिए चार्ज में लगाना पड़ेगा और आपको जो है 7 घंटे का प्लेबैक टाइम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे अपने ग्लासेस और उसके अलावा जो है हमको जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना फ्री, तो ये वाले जो ट्रांसपेरेंट शेड्स जो है ना वो भी इसके अंदर हमको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, बाकी और कुछ हमको डब्बे के अंदर नहीं देखने को मिलता। अभी जो है हम इस सनग्लासेस को जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पन्नी वगैरह लगी हुई है और इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम जो है इसको खोलते हैं ना ये पावर ऑन ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाता है। यहाँ पे अगर इसके फिजिकल लुक के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे जो है आपको जो है ब्लैंक टिंटेड जो है वो ग्लासेस देखने को मिल जाता है, कुछ इस टाइप की आपको जो है पूरे ही सनग्लास की लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको जो है स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है क्योंकि ये स्मार्ट ग्लासेस है तो डायरेक्टली जो है आप अगर बाइक वगैरह चला रहे हो तो आप यहाँ से ही जो है अपना कॉल वगैरह उठा सकते हो। यहाँ पे आपको जो है टच कंट्रोल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से जो है आप अपने कॉल्स वगैरह पिकअप कर सकते हो। स्मार्ट ग्लासेस को अगर आपको जो है फोन के साथ में कनेक्ट करना है तो कुछ इस टाइप का जो है आपको ब्लूटूथ की मदद से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। इसका एक बहुत ही बढ़िया कूल फीचर जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी जो अपने ग्लासेस है ना वो कनेक्टेड है अपने फोन के साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं इसको बंद करूंगा ना ये ऑटोमेटिकली ये जो है बंद हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। और ये जो है अगर आपने इसको एक बार पेयर कर लिया ना तो बहुत ही जल्दी से जो है वो आपके फोन के साथ में कनेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही फास्टली जो है ये अपने फोन के साथ में कनेक्ट वगैरह जो है वो इजीली हो जाते हैं। वैसे अगर मैं आपको इसको पहन के दिखाऊं तो पहनने के बाद कुछ इस टाइप की लुक आती है। ये जो टिंटेड ग्लासेस है ना वो आपको सन से तो बचा लेंगे, साथ साथ में आपको यूवी लाइट से भी जो है वो बचा लेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ये जो आपको बड़ी सी फ्रेम देखने को मिलती है ना, यहाँ पे आपको जो है दोनों ही तरफ आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जैसे ही आप इसको बंद करते हो ना ये ऑटोमेटिकली ही जो है वो पावर ऑफ हो जाता है और जैसे आप इसको ओपन करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके पावर ऑन हो जाते हैं और आपके जो स्मार्टफोन है ना उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। अभी ये जो स्मार्ट ग्लासेस है उसके अंदर स्मार्ट ये है कि इसके अंदर आपको जो है स्पीकर्स एंड माइक्स देखने को मिल जाते हैं, तो अंधों को अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हो तो वहां पे आपको जो है थोड़े से ज्यादा यूजफुल ये वाले ग्लासेस जो है वो रहने वाले हैं। और पहनने के बाद कुछ इस तरीके लग रहे हैं। एक और चीज, अब इसके साथ में जो आपको स्पीकर्स वगैरह देखने को मिलते हैं उसके यूज करके आप गाना वगैरह सुन सकते हो या नहीं, तो उसको यूज करके आप गाना वगैरह सुन सकते हो। उसकी जो साउंड क्वालिटी जो है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। मेरे पास 2 माइक है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 स्पीकर अलग अलग जगह पे है तो हमको 2 माइक की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज, यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो टच कंट्रोल की मदद से जो है हम जो म्यूजिक को जो है वो प्ले करने वाले हैं। और यहाँ पे क्वालिटी सुन ली, अभी देखो जो साउंड क्वालिटी आती है इसके साथ में वो तो बहुत बढ़िया है। एक और चीज, यहाँ पे जो है ना आपको जो साउंड आएगा ना वो यहाँ नीचे से आके वाइब्रेट होगी, आपको यहाँ पे सुनाई देगा, मतलब आपको जो साउंड है वो अच्छा सुनाई देगा। और अगर बाइक चला रहे हो तो आपको जो है ट्रैफिक का भी नॉइज जो है वो सुनाई देगा, जो अच्छी बात है, थोड़ा सा सेफ भी रहेगा और आप जो है गाने भी इंजॉय कर पाओगे। कंट्रोल्स के अंदर जो है प्ले पॉज का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है जो आप कुछ इस तरीके से टच कंट्रोल की मदद से एक्सेस कर सकते हो। बट हाँ, इसके अंदर आपको जो है कोई भी नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता अगर आप डबल टैप या लॉन्ग प्रेस करके वगैरह रखते हो तो। ओके, लॉन्ग प्रेस करने से आप जो है अपना वॉइस असिस्टेंट जो है वो उसको एक्टिवेट कर सकते हो, ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा जो है हमको जो है टच कंट्रोल्स के अंदर कोई और फीचर्स जो है वो देखने को नहीं मिलता। एक और चीज,
यहाँ पे जो आपका जो म्यूजिक है ना वो थोड़ा सा स्टिल होता है क्योंकि भाई आउटसाइड पे स्पीकर्स है, बट हाँ आपको गाने वगैरह सुनने में मजा आता है। और अगर आप किसी से बातचीत वगैरह कर रहे हो ना तो एकदम स्टाइलिशली जो है बात कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो है फोन वगैरह कनेक्ट कर रखा है। पागल जरूर लगोगे क्योंकि आप अकेले अकेले बोल रहे होगे। कला फ्रेम जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, बट उसकी वजह से ना आपको जो है सनग्लासेस के अंदर थोड़ा सा वेट एड ऑन होता है या नहीं, तो थोड़ा सा आपको जो है नॉर्मल सनग्लासेस से इसका वजन ज्यादा लगेगा, बट उतना ज्यादा भी नहीं है कि आप इसको पूरे दिन पहन के रखोगे तो आपके कान के आसपास दर्द होगा। हाँ, इसके साथ में आपको जो है नॉर्मल शेड्स भी देखने मिल जाते हैं और ये टिंटेड भी, तो आप अपने हिसाब से जो है जो चाहे वो लगा सकते हो और पहनने के बाद कुछ इस तरीके से शॉप भी कर सकते हो। ओवरऑल जो है मेरे को ये जो स्मार्ट ग्लासेस है वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे। हमने इससे कॉल्स वगैरह भी लगा के देखी, जो आपको साउंड क्वालिटी है ना वो बहुत ही बढ़िया देखने मिलती है। माइक वगैरह के भी सामने वाले को भी सही से सुनाई देता है, तो कि कोई ऐसा जैसा कोई सेंस नहीं बनता कि आप ये वाले स्मार्ट ग्लासेस लो। हाँ, आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है और आपको स्मार्ट चीजें पसंद है तो वो अलग बात है, जैसे हमने आपको दिखाने के लिए परचेज कर लिए। मैं जो है वो चश्मे लगा के गाने सुनता हूँ। आप जो है नीचे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी गैजेट रिव्यू में। बाय बाय।